हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ दुराचार के बाद निर्मम हत्या पर राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा अनीता वर्मा ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर कोसा है। हमीरपुर में अनीता वर्मा ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर केंद्र सरकार लोगों को गुमराह कर रही है और डॉक्टर रेड्डी के गुनाहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अनीता वर्मा ने अफसोस जताते हुए कहा कि बड़े दुख की बात है कि आज भी पूरा देश नींद में सोया हुआ है। हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ दुराचार के बाद निर्मम हत्या पर राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अनीता वर्मा ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर कोसा है। हमीरपुर में अनीता वर्मा ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर केंद्र सरकार लोगों को गुमराह कर रही है और डॉक्टर रेड्डी के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अनीता वर्मा ने अफसोस जताते हुए कहा कि बड़े ही दुख की बात है कि आज भी पूरा देश नींद में सोया हुआ है। पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने कहा कि पूर्व की यूपीए सरकार के समय में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए थे, लेकिन अब फास्ट ट्रैक कोर्ट भी नहीं रहे हैं, जिससे गुनहगार बचते आ रहे हैं। वर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार केंद्र में दूसरी बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर सत्ता में आई है, लेकिन आज देश में बेटियों की सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं हो पा रहा है। रेड्डी जो एक वेटरनरी डॉक्टर 26 साल की थी, उसका जो निर्मम हत्या हुई है, उससे मुझे बहुत अफसोस होता है कि आज भी हमारा पूरा राष्ट्र सो रहा है। निर्भय केस जब हुआ था, तब कांग्रेस पार्टी ने निर्भय फंड के तहत अलग पैसे रखे थे, जिसमें महिलाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, महिला हमारे छोटे छोटे पुलिस थाने और महिलाओं के लिए हर जगह सुरक्षा का, जैसे कैमरे लगना चाहिए बड़े ऐसी जगह जहाँ पर महिलाएं जाती हैं, बेशक बाज़ार हों या बड़े ऑफिसेज हों, इन सब के लिए एक अलग फंड रखा था। लेकिन अफसोस की बात है कि आज जो बीजेपी सरकार दूसरी बार सत्ता में आई है और वो एक ही नारा लेके चली है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए तो बहुत बड़े बड़े नारे और एडवर्टाइजमेंट्स लग रहे हैं और पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन जहाँ पैसे खर्चने चाहिए वहाँ पर पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात है, अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत जल्दी फैसले होते, जैसे निर्भय केस में इतने साल हो गए, आज तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। अगर किसी को अच्छी सज़ा मिलती तो किसी भी व्यक्ति का कोई हृदय नहीं होता कि जो ऐसा कांड करके किसी भी महिला को छोड़ के आता। तो मैं समझती हूँ ये हमारी नालायकियाँ हैं, हमारी सरकार की नालायकियाँ हैं, और मैं कहूँगी कि आज भी अगर पूरा देश नहीं जागा तो हमारी महिलाएं कभी सुरक्षित नहीं रहेगी, हम बेटी को नहीं बचा सकेंगे। साथ ही अनीता वर्मा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भी कानून व्यवस्था चरमराने के आरोप लगाए हैं और कहा कि जहां केंद्र सरकार के पास ही कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा, ये सहज ही पता लग जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर बढ़ रहे दुराचार के मामलों से बाहरी लोग प्रदेश में आने से परहेज करेंगे, इसलिए व्यवस्था में जल्द सुधार होना चाहिए। कानून व्यवस्था में पकड़ तो जब भारत की सरकार की नहीं है तो मैं नहीं कह सकती कि प्रदेश की सरकार में क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे कानून सेंटर ही लाता है और अगर सेंटर ऐसे ऐसे कानून लाए और जल्दी से जल्दी निर्णय हो जिसने भी कोई गलत काम किया है, तो प्रदेश सरकार भी उन कानूनों को लागू कर सकती है। और हमारा जो प्रदेश है एक शांतिप्रिय प्रदेश है, लोग चाहते हैं यहाँ आने, महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं और लोग भी सुरक्षित महसूस करते हैं। और अगर हमारे यहाँ से ऐसे ऐसे कथाएं जाएं कि भाई यहाँ पर भी बलात्कार हो रहे हैं तो जो टूरिस्ट है वो यहाँ आना भी बंद कर देगा। तो इसलिए हमें जागृत होना पड़ेगा और हमारी प्रदेश सरकार को भी ठोस से ठोस कदम जल्दी लगाने पड़ेंगे।